नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं PGDM के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि ये क्या होता है, इसको हमें किस कॉलेज से करना चाहिए, कॉलेज के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके बाद में हमारे पास जॉब ऑप्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, यदि हम PGDM की बात करें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो इसके नाम से पता चल रहा है ये हमारा 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, यानी कि जो PG में होता है, जैसे हमारा MBA होता है इसी तरीके से होता है हमारा PGDM। लेकिन MBA में और PGDM में डिफरेंस होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली PGDM के बारे में। तो PGDM हमारा 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जो कि हम काफी सारी स्ट्रीम होती हैं अलग अलग, उनमें कर सकते हैं, जैसे हमारा HR हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, IB हो गया, IT हो गया, और भी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें हम इसको कर सकते हैं। अब लेकिन जो सबसे मेन बात है, इसको हमें किस कॉलेज से करना चाहिए और किस कॉलेज से नहीं करना चाहिए, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हमारा PGDM होता है, PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको कॉलेज चलाता है इंडिविजुअल, यानी कि ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है, इसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे MBA होता है, तो MBA के लिए क्या होता है, जो कॉलेज होता है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, यानी किसी यूनिवर्सिटी से वो क्या होता है, एफिलेटेड होता है। जो मार्कशीट मिलती है बच्चे को, वो मिलती है यूनिवर्सिटी की, जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा या आपका स्टेट यूनिवर्सिटी से होगा। तो लेकिन यहां पर क्या है, कॉलेज क्या होता है, वो AICTE से अप्रूव्ड होता है, और ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो बच्चे को मार्कशीट मिलती है उसी कॉलेज की मिलती है, यानी कि सब सारी चीजें किसके हाथ में होती है, कॉलेज के हाथ में होती है, मार्क्स से लेके एग्जाम से लेके सब सारी चीजें कौन कंडक्ट कराता है, कॉलेज कराता है। अब इसमें हम यदि एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली है कि हमें उस कॉलेज का एफिलिएशन देखना है, यानी कि अप्रूवल देखना है कि AICTE का अप्रूवल है या नहीं है। दूसरा है हमारा उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, यानी कि कब से उसमें PGDM हमारा चल रहा है और उसका जो पहले का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, तो वो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से PGDM नहीं किया है तो वो आपका बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि PGDM तभी वैल्यूएबल है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से PGDM किया है और वहां से आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो रही है। यदि आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो आपको बहुत टिपिकल हो जाता है इसमें जॉब लेना, क्योंकि PGDM इक्विवेलेंट तो होता है MBA के, लेकिन ये क्या होता है, ऑटोनॉमस बॉडी से होता है, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं यदि आपने किसी थर्ड क्लास कॉलेज से किया है PGDM, तो कहीं ना कहीं कम होती है। यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से किया है PGDM, तो आपकी एक अलग वैल्यू होगी, आपकी जो जॉब सैलरी होगी वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप PGDM करने जा रहे हैं, तो किसी अच्छे कॉलेज से कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, फिर आप MBA की तरफ जाइएगा। अब यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो सकता है, आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, आपने BBA, BCA कुछ भी किया हुआ हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में आपका जो इसमें काफी सारे पहले क्या होते थे, एंट्रेंस एग्जाम होते थे, जैसे CAT का है, MAT का है, GMAT का है, AMAT का है, तो काफी सारे पहले एग्जाम होते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने काफी सारे एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं हो पाए, तो इस बार डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी एडमिशन हो सकते हैं, तो डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी एडमिशन हो जाएंगे। आपको अगर PGDM करना है, तो इस बार आप मेरिट के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, तो यानी कि डायरेक्ट कॉलेज में जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही यदि आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वहां पर जाकर आप अपना एक बार रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइएगा। अब तक हजारों लाखों बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बात करता हूं कि इसमें जो जॉब प्लेसमेंट होती है, तो जॉब प्लेसमेंट की बात अगर मैं करूं, तो वो होती है जिस फील्ड में आपने किया हो, जैसे मैंने आपको बताया ये अलग अलग फील्ड में होता है, जैसे आपका HR हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम से PGDM किया है। और दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके कॉलेज का ब्रांड होना चाहिए कि किस कॉलेज से आप कर रहे हैं। यदि आप अच्छे कॉलेज से करते हैं और अच्छी ब्रांड से करते हैं, तो आपका जो मिनिमम सैलरी पैकेज रहता है वो आपका
आपका 7 लाख पर एनएम से लेके और 15 लाख पर एनएम तक जाता है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से पीजीडीएम किया है। साथियों अब यदि हम बात करें फीस की, तो जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये ऑटोनोमस बॉडी से होता है, सब सारी चीजें कॉलेज के हाथ में होती हैं, तो इसमें जो फीस तय करता है वो कॉलेज तय करता है। अब यदि आपका अच्छा कॉलेज है, अच्छा टॉप लेवल का कॉलेज है, ब्रांड लेवल का कॉलेज है, तो उसमें जो फीस होती है आपकी 2 से 2.5 लाख से 3 लाख से 4 लाख तक रहती है पर ईयर। और यदि आपका कोई लो लेवल का कॉलेज है, थोड़ा सा नीचे लेवल का कॉलेज है, तो उसमें जो फीस रहती है इसकी 1 लाख के अराउंड में रहती है। और जो उससे नीचे के कॉलेज है वो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनसे आप पीजीडीएम मत कीजिएगा, मैं आपसे यही कहूंगा। यदि आप इस लेवल के कॉलेज से पीजीडीएम करते हैं तो उससे बेटर है कि आप एमबीए करें। तो साथियों अभी भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितने जल्द से जल्द होगा मैं उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।